आइसलैंड, बर्फ और आग का देश, प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग सरीखा। आइसलैंड के दक्षिण में गोल्डन सर्कल के साथ साथ चलते बहुत नजारे मिलते हैं। राजधानी रेक्यावेक से करीब 50 किलोमीटर दूर हमारा पहला पड़ाव है गुडफॉस, सुनहरा झरना। इसी से गोल्डन सर्कल को अपना नाम मिला है। मैं कैथरीन फ्रेडरिकसन से मिल रही हूँ। हम ऊपर बने मंच से शुरुआत कर रहे हैं। इस झरने में दो धाराएं हैं। पहली धारा अपेक्षाकृत धीमी है, लेकिन काफी मात्रा लेकर गिरती है। ये करीब 11 मीटर लंबी है और फिर ये एक विशालकाय धारा का रुख करती है जो 21 मीटर लंबी है। इस तरह का मेल होना और फिर इसका इस अद्भुत दर्रे में जाना, यही चीजें इसे इतना सुंदर बनाती हैं। हैरान करने वाला नजारा। सर्दियों में ये नाटकीय रूप से बदल जाता है। झरने के कई हिस्से जम जाते हैं। नीचे बने मंच का रास्ता सुरक्षा कारणों से सर्दियों में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पहुँचने में मुझे करीब 10 मिनट लगे। सीढ़ियों से दिखने वाला ये नजारा बहुत बेहतर लगा। ऐसा लग रहा है मानो झरने के बीच हूँ। हमारा अगला पड़ाव है होइकादालूर घाटी। यहीं पर हैं आइसलैंड के मशहूर गर्म पानी के सोते स्ट्रॉककुर और ग्रेट गेसर। आइसलैंड का सबसे सक्रिय गेसर है ये। यहाँ हर 5 से 10 मिनट में उबलता पानी हवा में उछलता है, कभी कभी तो 20 मीटर की ऊंचाई तक। अब हम थिंगवेथलिर नेशनल पार्क जा रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी बहुत अहमियत है और यहाँ एक अनूठे किस्म का टेक्टोनिक पर्यावरण है। होइकादालूर घाटी से यहाँ पहुँचने में कार से 45 मिनट लगते हैं। मैं पहली बार दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में चल रही हूँ, ये मस्त है ना? ये पार्क यूनेस्को की वैश्विक धरोहरों में से एक है। यहीं पर 930 ईस्वी में आइसलैंड की सबसे पहली संसदीय बैठकें हुई थी। हम थिंगवेथलिर पार्क में हैं। ये आइसलैंड का पहला नेशनल पार्क है। इसकी अहमियत क्या है? भूविज्ञान की दृष्टि से ये जगह बहुत खास है। आइसलैंड दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में बसा है और थिंगवेथलिर उन जगहों में है जहाँ ये साफ नजर आता है। अभी हम एक टेक्टोनिक प्लेट पर खड़े हैं जो कि उत्तर अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट है, और उस तरफ करीब 5 किलोमीटर दूर ही हमें यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट दिखती है, और इनके बीच में एक तरह का नो मैंस लैंड है जो असल में नई जमीन है, जो हर साल 2.5 सेंटीमीटर बढ़ती है। हमारा आखिरी पड़ाव है ब्लू लगून। अक्सर लोग गोल्डन सर्कल टूर में यहाँ भी आते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक इस भूतापीय स्पा को दुनिया के 25 अजूबों में गिनता है। ये रेक्यावेक से करीब 1 घंटा दूर है, इसलिए हम भी यहाँ चले आए। यहाँ पानी में छलांग लगाने से पहले अपने बाल जरूर धो लीजिए, और लंबे बाल हो तो बांध लीजिए। लगून का पानी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये बालों को नुकसान पहुंचाता है। ये रूखे सूखे हो सकते हैं क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा खनिज हैं। पानी का दूधिया नीला रंग सिलिका के धूप परावर्तित करने का असर है। तो आपको मास्क चाहिए।